हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम मिनी सिमेक्स। सो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, परफेक्ट नंबर चेक करने का प्रोग्राम करने वाले हैं। सो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे 6 है। अगर 6 परफेक्ट नंबर तब होगा जब 6 के सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर दें एक्सक्लूडिंग दैट नंबर 6, और वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 6। बट हमें 6 को नहीं लेना है, राइट, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। तो अब ऐड करो, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6 होगा, यानी ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया, यानी 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। तो अगर यूजर ने इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट दिया 6, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, दिस इज परफेक्ट नंबर, राइट। अब उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यूजर ने इनपुट दिया 8, तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 + 2 + 4 + 8 को तो लेना नहीं है, तो कितना हो गया, 7, 8 के बराबर नहीं है। तो अगर यूजर ने 8 इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, दिस इज नॉट परफेक्ट नंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो इस प्रोग्राम को करते हैं। तो ये फाइल पहले से बनी हुई है, फाइल का नाम है loop.java। तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं लूप, और यूजर इनपुट लेना है, एक नंबर इनपुट लेंगे जिसको चेक करना है परफेक्ट है कि नहीं। तो प्रोग्राम के टॉप पे क्या ऐड कर देंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, राइट। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देन अब इसके अंदर मेन मेथड हम बनाएंगे, सो मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी मेन पहले से। अब इसके अंदर हमें इनपुट लेना है तो स्कैनर और लाइन लिखनी होगी, सो स्कैनर SC असाइन विथ न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन, राइट। अब एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर, ओके। अब हमें नंबर इनपुट लेना है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं int n, और सम हमको निकालना होगा तो एक वेरिएबल सम ले लेते हैं, इसमें 0 स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। 0 क्यों लिए अभी पता चलेगा। देन इनपुट लेते हैं n असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int। तो मैं जो मैसेज है, तुम चाहो तो इस int n और सम जो मैंने लिया उसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, n के सारे फैक्टर्स पता करने हैं। तो n के फैक्टर कैसे पता करेंगे, मान लो यूजर ने 6 में एंटर किया तो 6 में पहले 1 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 1 6 का फैक्टर है, फिर 2 से करेंगे, देन 3 से करेंगे, देन 4 से करेंगे, देन 5 से एंड देन 6 से नहीं करेंगे क्योंकि 6 को हमें एक्सक्लूड करना है, यानी डिवीजन बार बार करना है ना, तो लूप चलाना होगा। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से n-1 तक। सो फॉर int i असाइन विथ 1, देन कंडीशन क्या दे देंगे, i < n, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि n को हमें नहीं लेना है, एंड देन i++। अब देखो यहां पे लूप के अंदर क्या करेंगे, इफ n में हमारा नंबर है इसमें मॉड लेंगे किससे, i से, और अगर ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर, तो इसका मतलब i में जो नंबर है वो 6 का n का फैक्टर हो गया, तो उस केस में उसको ऐड कर लेंगे, सम असाइन विथ सम प्लस i, राइट। तो चलो अभी इसको ड्राई रन करते हैं। मान लो यूजर ने यहाँ पे 6 एंटर किया, ठीक है। ड्राई रन क्या होता है, जब प्रोग्राम को हम टॉप टू बॉटम खुद से एग्जीक्यूट करते हैं। सो कंप्यूटर पहले किस लाइन को रीड करेगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। जब 6 लाइन पे आएगा तो मैसेज दे देगा एंटर द नंबर, फिर इनपुट मांगेगा नेक्स्ट int, हम नंबर एंटर करेंगे। अब एज्यूम कर लो तुम खुद से कोई भी नंबर, मैं 6 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप में क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन पे आएगा तो i में 1 है, देन कंडीशन पे जाएगा तो 1 < n में 6 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब इफ में चेक होगा तो n mod i, n में 6 है, i में 1 है, तो देखो 6 में 1 से डिवाइड हो रहा है तो 6 mod 1 कितना होगा, 0, जो कि 0 के बराबर है, यानी इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, यानी i की वैल्यू जो 1 है वो 6 का फैक्टर है, तो इफ के अंदर आएगा सम असाइन विद सम प्लस i, तो सम में कितना है 0, i में कितना है 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, और सम में कितना स्टोर हो गया 1, राइट। फिर इफ के बाहर निकला बट फॉर के बाहर अभी नहीं निकलेगा, फिर i++ पे जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,
देन यहाँ कंडीशन चेक करेंगे तो 2 लेस देन 6, n में हमने 6 माना है, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर इफ में आएगा तो अगेन n मॉड i, n में अभी भी 6 है बट i में 2 है, तो 6 मॉड 2, यही तो करना था ना, 1 के बाद 2 से डिवाइड करना था, तो 6 मॉड 2 कितना होगा, 0, 0 के बराबर, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर इफ के अंदर आएगा, फिर से पहले सम प्लस i, तो सम में कितना है? याद करो पिछली बार 1 स्टोर हुआ था, तो सम में 1 है, i में 2 है, 1 प्लस 2 कितना आ गया सम में, 3, फिर इफ के बाहर निकलेगा, फॉर के अपडेशन पे जाएगा, तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, देन कंडीशन चेक करेगा, आई में 3 है, एन में 6 है, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, फिर इफ को चेक करेगा, तो एन में कितना है 6, आई में कितना है 3, तो 6 मॉड 3, 0, 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, फिर से इफ के अंदर आया, सम प्लस आई, तो सम में कितना था, याद करो पिछली बार, सम में कितना था, 3 था, और आई में कितना है, 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, सम में क्या आ जाएगा, 6, इफ के बाहर आएगा, फिर फॉर के लूप में आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 4, फिर i लेस देन n, तो i में 4 है, n में 6 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, अब यहाँ पे n मॉड i, इफ में, तो n में कितना है 6, i में कितना है 4, तो 6 मॉड 4, रिमाइंडर क्या होगा, 2, जो 0 के बराबर नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, 4 6 का फैक्टर नहीं होता है, इफ के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, फिर हमारा जाएगा अपडेशन पे i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, देन i लेस देन 6, i में कितना है 5, n में कितना है 6, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, तो 6 मॉड 5, n में 6 है, i में 5 है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 0 के बराबर नहीं है, इफ का कंडीशन फिर से फॉल्स, फिर से लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन चेक करेगा, तो 6 लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, फॉर के बाहर आ गया, अब हम फॉर के जब बाहर आए तो हमारे पास नंबर के सारे फैक्टर्स का सम अवेलेबल है जो कि सम वेरिएबल में है, तो फॉर के बाहर बाहर निकलने के बाद कंपेयर कर लो, इफ सम इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर किसमें, एन में, एन, अगर ये ट्रू हो गया तो कंप्यूटर प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज परफेक्ट नंबर, राइट, और अगर ये फॉल्स हो गया एल्स, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज नॉट परफेक्ट नंबर, आई होप क्लियर हो गया होगा, सो अब यहां देखो, अगर हमने n में 6 एंटर किया है तो सम में कितना आएगा, सम में 6 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, इफ फिर फॉर के बाहर निकलेगा, इफ को चेक करेगा, इफ ट्रू हो गया तो इफ के अंदर जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज परफेक्ट नंबर, एल्स के अंदर नहीं जाएगा, अच्छा मान लो यहां पे n में हमने 4 एंटर किया होता, ठीक है 4, तो अब क्या होता, अगर n में 4 एंटर किया होता तो i में 1, 1 लेस देन n, n में 4 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, n मॉड i, n में 4 है, i में 1 है, तो 4 मॉड 1, 0, कंडीशन ट्रू, सम प्लस i, सम में 0 है, i में 1, तो सम में कितना आ गया, 1, फिर अपडेशन पे जाएगा, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, अगेन 1, i में 2 है, n में 4 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर 4 मॉड 2, तो 4 मॉड 2 कितना होगा, 0, 0 के बराबर, कंडीशन ट्रू, तो सम प्लस i, पिछली बार सम में कितना था, 1, और i में अभी कितना है, 2, तो 1 प्लस 2, सम में 3 आ गया, फिर i की वैल्यू क्या होगी, 3, और फिर i लेस देन n, तो i में 3 है, n में 4 है, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, n मॉड i, n में 4 है, i में 3 है, रिमाइंडर 1 आएगा, 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इफ के अंदर नहीं जाएगा, फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, i लेस देन n, तो i में 4 है, n में भी 4 है, 4 4 से छोटा तो है नहीं, 4 का कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, इफ को चेक करेगा, तो सम में कितना है, 3, n में कितना है, 4, कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा, दिस इज नॉट परफेक्ट नंबर। कुछ लोग क्या करते हैं गलती कि इस इफ एल्स को इसको फॉर के अंदर लिख देते हैं यहां पे, तो फॉर के अंदर हम नहीं लिखेंगे ना इस वाले इफ एल्स को, क्योंकि ये तो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, ये कंपेयर तब करेंगे जब ना फाइनल सम हमको मिल जाएगा सारे फैक्टर्स का, ये तुम फॉर के अंदर लिखोगे तो बार बार ही कंपेरिजन होगा, राइट, हमें हर बार नहीं करना है, जब एक बार हमें सम सारे जितने भी परफेक्ट नंबर हैं उसका सम मिल गया, फॉर का कंडीशन फॉल्स हो गया, हम फॉर के बाहर आए, अब हम करेंगे कंपेयर यहां फॉर के बाहर, सो आई होप क्लियर हो गया होगा परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम।